तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ, मतलब एक नया ट्रिक दिखाने के लिए। तुम सभी लोगों को मालूम है कि MPL में ये जो पूल बैटल्स जो आया हुआ है, मतलब 40 रुपये का, यहाँ पे तो कभी कभार 100 रुपये का भी दिखाता था, शो करता था, अभी तो 40 रुपये का गेम है। तो इसमें खेलने के टाइम पे बहुत लोगों का ये परेशानी हुआ होगा कि तुम गेम खेल रहे हो और जितने ही वाले हो, जितने ही वाले हो, ये ब्लैक पॉट करेगा जितने ही वाले हो, लेकिन क्या होता है, अचानक से गेम हो जाता है ओवर। और गेम ओवर होने के बाद धीरे धीरे दिखाता है कि गेम हो गया टाइड, मतलब तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाता है और उसको उसका पैसा वापस। लेकिन जितने वाले तुम थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, कुछ ट्रिक इस्तेमाल करके इसको टाई कर दिया। तो ये टाई कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये हम दिखाते हैं। तो चले जाते हैं पहले बैटल्स पे, और हम ये टोकन्स वाले गेम पे दिखाएंगे क्योंकि रियल कैश में नहीं दिखाना चाहते। तो ये टोकन्स वाले गेम पे यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक टू। तो जस्ट रिमेम्बर करना, मतलब यहाँ पे मेरा ओपोनेंट कौन होगा और उसका नाम क्या होगा, सारा गौर करके रखना, ठीक है। जरा एक टेक्निक भी बता देते हैं, कभी भी कोशिश ना करना कि अपने से हाई लेवल वाले प्लेयर के साथ खेलो। तो यहाँ पे देखो, स्टील लेवल का प्लेयर आ गया, नाम है कुंतल वर्मा, अच्छा से गौर करो, कुंतल वर्मा, जिसने कोई शायद पिक नहीं दिया गया है, दिया है तो कुंतल वर्मा। तो ये देखो मैच स्टार्ट होने वाला है और हीट आ गया मेरा, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये रहा, हमने इसको हमारा पॉट कर दिया, अब उसका टर्न है। तो हम क्या करेंगे अभी, ये गेम को मतलब टाई करने वाले हैं। टाई टाई समझते हो ना, देखो टाई कैसे करते हैं गेम को। तो चलो टाई करते हैं, नाम याद रखना कुंतल वर्मा, ठीक है। ये देखो ये गेम जो है टाई हो गया, ठीक है। ये नाम भी चेक कर लो, नाम क्या है, कुंतल वर्मा, कुंतल वर्मा, और गेम टाई हो गया, मतलब ना ही उसने जीता और ना ही मैंने जीता। अगर यही मैच हमने कैश से लगाया होता और मान लो कि वो जीतने वाला होता था, तो अब हम क्या कर सकते थे, इसको टाई बना सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और गौर करना है, तो यहाँ पे मतलब ये टाई करना हमको पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि हम करते नहीं हैं, हम बहुत अच्छे पूल प्लेयर हैं। तो तुम सभी लोगों को मालूम है कि हम स्टिक पूल से भी बहुत सारा अर्निंग कर लिए और 8 बॉल भी अच्छा खेलते थे, और तुम्हारा ऐसा भी बहुत, और स्किल फॉर विन में भी हमने खेले थे, मतलब जितना भी 8 बॉल का गेम होता है सब गेम मेरे से, मतलब सबका बोर्ड खेला हुआ है, मतलब मेरा, ठीक है ना।